रोज सुबह घर का मुख्य दरवाजा खोलते ही सबसे पहले करे यह एक काम और फिर देखे कमाल। घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए वास्तु काफी फायदेमंद साबित होता है। आपको बता दें कि वास्तु के कई उपायों द्वारा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। यूं तो इंसान के लिए अपने घर का हर कोना बेहद खास होता है, मगर वास्तु शास्त्र में घर का मुख्य दरवाजा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि एक तो हमारे घर में जो भी अतिथि आता है वो घर के मुख्य दरवाजे से होकर ही घर के अंदर आता है। इसके अलावा घर में सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश भी मुख्य दरवाजे के द्वारा ही होता है। जी हाँ, कई बार हमारे घर में कोई ऐसा इंसान भी प्रवेश कर जाता है जो काला जादू करने में माहिर हो। अब जाहिर सी बात है कि घर में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है वे मुख्य द्वार से होकर ही गुजरता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति रहे और आप जीवन में सफलता की ऊंचाइयां हासिल करते रहे, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे का वास्तु हमेशा ठीक रखें। जी हाँ, क्योंकि अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे का वास्तु ठीक नहीं होगा तो आप जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपके घर का वातावरण भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही वजह है कि शास्त्रों में घर के मुख्य दरवाजे को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं और इन उपायों को आजमाने के बाद आप यकीनन अपने जीवन में बेहद तरक्की हासिल करेंगे। बरहलाल, आप भी इन उपायों के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे, तो चलिए अब आपको इन उपायों के बारे में विस्तार से बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद ये कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है। उसके बाद व्यक्ति को सच्चे मन से भगवान का नाम लेना चाहिए। हालांकि आज के समय में लोग सुबह सुबह भगवान का नाम कम ही लेते हैं और मोबाइल का नाम ज्यादा लेते हैं। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो आज के समय में लोग सुबह उठने के बाद भगवान का नाम लेना एकदम भूल ही गए हैं। बरहलाल, ये सब करने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अब ये तो सबको मालूम ही है कि गंगा जल में कितनी शक्ति होती है। जी हाँ, गंगा जल के छिड़काव से आपके घर का मुख्य दरवाजा इतना पवित्र हो जाएगा कि कोई भी बुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ही वास होगा और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। वैसे भी जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है तब गरीब से गरीब आदमी भी करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करने से आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप हर रोज यही उपाय करेंगे तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होगा और आपको खूब आर्थिक लाभ भी होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करना कभी ना भूलें।